हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो आप लोगों को नया अपडेट देने के लिए है। तो नया अपडेट है जो स्टडी वीज़ा है उससे रिलेटेड है। सो अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड की दो अच्छी यूनिवर्सिटी ने इंडिया की अच्छी खासी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटियों के साथ पार्टनरशिप की है। तो क्या पार्टनरशिप की है और किस क्या बेनिफिट होने वाला है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो न्यूजीलैंड की दो अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटैगो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरी, इन दोनों ने इंडिया की रेपुटेड यूनिवर्सिटियों के साथ पार्टनरशिप साइन की है। और क्या पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप ये है कि आप पोस्ट स्टडी जो ग्रेजुएशन वीज़ा है तो वो आप इंडिया में रह के न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे कि मान लो आपका कोर्स 2 साल का है ना, तो आप जो अपने फर्स्ट हाफ है वो आपने इंडिया में ही कंप्लीट कर लिया है, बट आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो। इनरोल आप हो जाओगे न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी में ना, बट आप अपनी स्टडी हाफ स्टडी आप कंप्लीट कर सकते हो इंडिया में रह के। उसका बेनिफिट क्या होने वाला है? उसका बेनिफिट ये है कि आप इंडिया में रह के तो अपनी सेविंग कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं वो बचा सकते हो ना। और जो आपका फिर सेकेंड हाफ है उसके लिए आपको न्यूजीलैंड आना पड़ेगा। न्यूजीलैंड में आपको पोस्ट स्टडी ग्रेजुएशन वीज़ा अप्लाई करना मतलब मिलेगा आपको। तो उसमें क्या है, आपको जो बाकी हाफ अपना यहाँ पे आके कंप्लीट करोगे उसमें आपको यहाँ का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि भाई कैसे बाहर का हिसाब किताब है ना, क्या स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि पता क्या होता है, जब आप लोग डायरेक्ट सीधी स्टडी लेके यहाँ पे आके आते हो तो काफ़ी एक तो आने के बाद एकदम से डमाडोल होती है ना सिचुएशन, तो स्टडी के साथ साथ सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो क्योंकि पहले में एकदम से आप कोर्स में आते हो, यहाँ की लिविंग कॉस्ट इतनी हाई है, सब चीज़ें जल्दी मैनेज नहीं होती ना, तो काफ़ी स्टूडेंट स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो उसमें क्या ही एक बेनिफिट ही है कि आप अपना फर्स्ट हाफ आराम से इंडिया में रह के कंप्लीट करो, उस फर्स्ट हाफ के ड्यूरेशन में जो भी आपकी सेविंग हो बचाओ, उसके बाद आप न्यूजीलैंड आओ, यहाँ पे अपना वीज़ा अप्लाई करो वीज़ा, और उसके बाद जो आपका बची हुई बचा हुआ कोर्स है वो आप न्यूजीलैंड में रह के कंप्लीट करो। तो इसमें क्या आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको दोनों साइड से बेनिफिट है। इंडिया में रह के कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब खर्चा पानी और ये आपकी सेविंग हो रही है, और न्यूजीलैंड सेकेंड हाफ में न्यूजीलैंड में आके आपको मतलब जो भी यहाँ का एक्सपीरियंस है, जैसा यहाँ का हिसाब किताब है, रहन सहन, वो सब आपको समझ में आ जाता है। तो ये बेनिफिट है दोनों साइड के लिए ना। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, तो मुझे लगा चलो ये अपडेट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरे को आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा अपडेट अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे जल्दी से नई किसी अपडेट के साथ नए किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।